ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए 1 मई से लेकर 10 मई तक का समय कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो समझ लें, 1 मई से 10 मई तक के बीच में ग्रहों का परिवर्तन बहुत विचित्र प्रकार से हो रहा है। अभी बृहस्पति तो उदय हो ही चुके हैं और अपना पूर्ण खेल दिखाने का सही अवसर उनको मिल गया है, और आपके लिए तो भाग्य स्थान में, आपके तो लाभ के स्थान में बृहस्पति का बहुत बढ़िया योग बना हुआ है, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो है बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग देने वाला है। लेकिन और ग्रहों का परिवर्तन भी बहुत होने वाला है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन होगा इन 10 दिनों में, खासतौर पर मंगल का परिवर्तन होगा इन दिनों में, और कई प्रकार के सुंदर योग बनेंगे, तिथियां बहुत सुंदर आएंगी इसमें, और उन सबको कर्मों का लाभ ले सकते हैं। ऐसे में एक विशेष तिथि आने वाली है जिसमें एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसको शायद लोगों को मालूम ही नहीं है। इस पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और वो ऐसा काल रहेगा कि आप उसमें कुछ खास उपाय कर लोग ऐसे चंद्र ग्रहण को निग्लेक्ट कर देते हैं। छाया चंद्र ग्रहण है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ का योग है उस प्रकार से, कैसे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी रहेंगी कि जिसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। करीब करीब बीच में कुछ दिन आएंगे जिसमें आपको एलर्जी की समस्याएं, स्किन से संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, बुखार इत्यादि परेशान कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो सब चीज़ें हम बताएंगे। कई तिथियां ऐसी भी आएंगी कि जो बहुत बढ़िया उन्नति के योग बनाएंगे आपको, तो उन सबको समझ लें क्या कुछ होने के योग हैं। सबसे पहले 1 मई की हम बात करें तो 1 मई को विशेष तौर पर बहुत सुंदर तिथि है, मोहिनी एकादशी है उस दिन। मोहिनी एकादशी जो होती है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत तिथि मानी जाती है। भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए ये अपना सुंदर मोहिनी अवतार का रूप रखा था, और कहा जाता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए राक्षस चाहते थे कि हम अमृत पान कर लें और अमर हो जाएं, और उसके बाद जो चाहें वो करेंगे। इसलिए भगवान ने इस रूप को धरा और देवताओं को अमृत पान कराया और राक्षसों को उससे वंचित कर दिया। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि धर्म स्थापना के लिए, अधर्मी के धर्म नहीं होता है, वो ड्रामा करता है, और उसी लिए ये कार्य करने की जरूरत है। तो ये तिथि आपको बता रही है कि इस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, और ये आपको भी क्वालिटी हो जाए कि आप भी अपने विशेष तौर पर स्वरूप को मोहिनी रूप में भर सकें और संसार को मोहित कर अपने धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के योग बना सकें, तो आप इस तिथि में बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि यह तिथि आपके अनुकूल है और ग्रहों के योग से विशेष तौर पर आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन खर्चे थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं, बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं, परिवार में ऐसे कार्य दे सकते हैं कि जो अरे भाई इसको दे दो कर लेगा ये, थोड़ा सावधान होकर जो आपके लिए कार्य उपयोग हो वही करने का प्रयास कीजिएगा, बेकार कामों में मत फंसिएगा अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। वैसे धन लाभ होने के योग बने हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्य संपादित होंगे, ये ग्रह साफ साफ दिखा रहा है कि यानी पहला दिन आपके लिए अच्छा है। चावल का दान करिए, चावल का सेवन मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं 2 तारीख की तिथि जो है विशेष तौर पर 2 मई का ग्रहों का योगा जो कई सारे ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं और शुक्र परिवर्तित हो जाएंगे दोपहर के समय में। शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है, मंगल वहां पहले से विद्यमान है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल और शुक्र का योग हो जाएगा, ये जीवन में विलासिता का उत्पन्न कर सकता है, आनंद का उत्पन्न कर सकता है, कई प्रकार के अच्छे भोग आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन बैलेंस होकर उसका भोगने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर मंगलवार है और खासतौर पर चंद्रमा भी कन्या राशि में जा रहे हैं, जो खर्चे आपको बेकार कामों में बढ़ा सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि खर्चे आपको बेनता ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहों का अनुकूल योग जो दिखा रहा है खासतौर पर, यह आपके लिए खासतौर पर इस दिन रुक्मणी और द्वादशी जी खासतौर पर तिथि है। रुक्मणी जी का खासतौर पर भगवान जो द्वादशी है, ये भगवान कृष्ण की उपासना करने का और रुक्मणी जी की उपासना करने का दिवस है। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करते हुए कार्य करें तो कल्याण के योग बन सकते हैं, और जो लोग प्रेम में हैं और कहीं ना कहीं कष्ट आ रहा है तो इस दिन व्रत करने से, उनका विशेष पूजन कर लेने से वो भी कार्य संपादित होने के योग बनते हैं। इस संसार में भारतीय संस्कृति में हर चीज का उपाय बताया गया है, उसके अनुरूप कार्य करने से आपके कार्यों को मनोकामना सिद्धि करने के योग बन जाते हैं। वहीं 3 तारीख की हम बात करें तो 3 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, उस दिन प्रदोष है। देखिए, इन दिनों बुध अस्त चल रहे हैं और बुध आपके लाभ वाले स्थान में बैठे हुए हैं, और वो अस्त होने के कारण से आपके लाभ में थोड़ा सा कहीं कमी दे रहे हैं, तो कोशिश ये करें इस प्रदोष के दिन, बुध प्रदोष पड़ रहा है इस दिन 3 मई को, तो मिथुन राशि वालों, बुध संबंधित आपका ग्रह अस्त है, लग्नेश अस्त जो राशि का स्वामी अस्त हो जाता है तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है, और इसको ठीक करने के लिए ये बड़ी सुंदर तिथि है आपके लिए। तो ऐसे में व्यवसायिक लाभ पूर्ण प्राप्त करने के लिए, बुध को शक्ति देने के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। भगवान का शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए, उससे
करीब करीब 45 मिनट तक का समय जो है वो उसका उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान का नमस्ते रुद्र मन्ने वा उतो ताई खवे नमः रुद्र सूत के द्वारा पाठ करते हुए भगवान का इच्छु रस से अभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र भगवान को समर्पित करना चाहिए। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। देखिए इससे आपके कार्य संपादित होंगे, व्यवसायिक बुद्धि में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और समस्त कार्य सही से चलेंगे। ये ग्रहों का अनुकूल प्रभाव है आपके लिए, उसको समझ लेना चाहिए। वहीं हम बात करें 4 मई की, तो 4 मई को विशेष तौर पर चतुर्दशी है और मिथुन खासतौर पर राशि वालों के लिए कुछ खास ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और आपके लिए ये समय अनुकूल रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनाएगा। गज केसरी योग आपकी राशि में बन जाएगा, ये आपके बहुत सारे कार्यों को सही दिशा में संपादित करने के योग बनाएगा, चाहे वो व्यवसाय है चाहे वो नौकरी है। आपके धन की आमदनी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कहीं से पेमेंट आनी है, कहीं से लाभ होना है, तो आप तुरंत उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे से आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये साथ साथ इस दिन नरसिंह जयंती भी है और छिन्नमस्तिका जी की जयंती है, तो इन दोनों का उपयोग करना चाहिए। जब शत्रु हमको लगातार परेशान कर रहे हो तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। वहीं हम 5 तारीख की यदि बात करें तो 5 तारीख के ग्रहों की गणना दिखाती है। उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, पूर्णिमा है और खासतौर पर कूर्म जयंती है, बुद्ध जयंती है, सत्यनारायण का व्रत है और साथ साथ पीपल जी का पूजन करने का विधान है। देखिए आपकी राशि के संबंध के साथ जितने भी वनौषधियां हैं वो आपके साथ राशि के साथ जुड़ी हुई हैं। जो पीपल का पूजन करने का बहुत सुंदर तिथि है, पीपल की उत्पत्ति इसी तिथि को दिन हुई थी। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु स्वरूप पीपल का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल का पूजन करने से जीवन में कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं, शनि अनुकूल हो जाते हैं और साथ साथ कई प्रकार के लाभ के योग बन जाते हैं। तो आप विशेष तौर पर पूजन करें और खासतौर पर सत्यनारायण व्रत भी है, तो इन सब तिथियों का लाभ लेते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना तो दिखाई रही है कि खासतौर पर पॉजिटिव रहेगा, समय आपके अनुकूल रहेगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये छाया चंद्र ग्रहण है। आमतौर पर इसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, इसलिए इसको इसका जो काल है वो गणना में आता ही नहीं है, लेकिन चंद्रमा मलिन हो जाते हैं, इनकी छाया थोड़ी धूमिल हो जाती है। ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको खासतौर पर इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में विशेष तौर पर इनका आप आने वाले समय में, क्योंकि आपके जो ग्रह अनुकूल चल रहे हैं उनका पूर्ण लाभ, मंगल बहुत अस्त होने वाले हैं और मंगल अस्त होने से, क्योंकि मंगल जो विशेष तौर पर नीच के होने वाले हैं आने वाले कुछ 10 दिन बाद, और ऐसे में मंगल का प्रभाव 1-1.5 महीने तक अच्छा नहीं रहेगा, उत्साह कम हो जाएगा। तो जितना लाभ के योग बने हुए हैं, बृहस्पति बड़ी सुंदर तरीके से उदय होकर आपके लिए जो सुंदर योग बनाने वाले हैं, 12 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है, वो उसमें कहीं कमी आ जाएगी। इस 12 महीनों को तो पूरी तरह से आपको यूटिलाइज, साम दाम दंड भेद कैसे भी युद्ध कर लीजिए, तब कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन पाएंगे। फिर 12 वर्ष तक ऐसा सुंदर समय नहीं आएगा आपकी राशि के अनुसार, समझ लीजिए। तो ऐसे में आप काम करें ग्रहण के समय पर हनुमान चालीसा का और सुंदर कांड का यथाउचित भाव से पाठ करें, जिससे मंगल का शक्ति संपन्न प्राप्ति के योग बन जाए। इसी संकल्प के साथ बैठे कि मंगल जब कमजोर होंगे तो उस समय में इसका प्रभाव मेरे ऊपर नेगेटिव ना हो, यही संकल्प करकर आप इस ग्रहण काल में मंगल के मंत्र का जप, सुंदर कांड या हनुमान चालीसा जैसा भी हो सके उसका पाठ करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए सुंदर रहेगा, लाभकारी सिद्ध रहेगा। यदि हम 6 तारीख की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए 6 तारीख का समय दिखाई देता है, ज्येष्ठ का आरंभ हो रहा है। उस दिन नारद जी की जयंती भी है और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे दोपहर के समय पर। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि पे आएंगे तो ये आपके लिए क्षीण रहेगा, आपके मनोमस्तिष्क के अनुसार से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, खर्चों के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में इन 2 दिनों में खासतौर पर हम कहेंगे 3 दिनों को इतनी मान लीजिए, 6, 7, 8, ये तीनों तिथियों में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं क्षीणता दिखाई देती है। तो ऐसे में आपको खासतौर पर बड़ी सावधानी के साथ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर का नित्य प्रति जप, ओम नमः शिवाय का पाठ और खासतौर पर यदि दूध का दान, चावल का दान करने का प्रयास कीजिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं हम ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो 8 तारीख किस बात का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, बड़े लाभ के योग बनेंगे। 8 तारीख को सुबह का समय थोड़ा भारी है, लेकिन शाम के समय यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो शाम का समय बिल्कुल पॉजिटिव ग्राफ की तरफ उड़ जाएगा। उसके बाद 8, 9, 10 तीनों दिन आपके लिए उन्नति के योग बनते दिखाई देंगे, आपके मनोअनुकूल कार्य संपादित हो सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं, आपकी जान पहचान से बहुत अच्छे से आप कार्य कर पाएंगे। देखिए एक बात समझें, जो 9 तारीख का समय है वो बड़ा ही सुंदर योग बना रहा है। उस दिन अंगारक चतुर्थी है और मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर योग है। ऐसे में मिथुन राशि वालों को हम पुनः कहेंगे कि ऐसे में मंगल जो है कमजोर जो होंगे आपकी राशि में,
कुछ ना कुछ प्रभाव डाल देंगे, उसको ठीक करने का समय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसे में मंगल को ठीक करने के लिए आप उपाय करने का प्रयास कीजिए। मंगल के निमित्त अंगारक चतुर्थी हमने आश्रम पे बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उस दिन हमने आश्रम पर सुंदर कांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है और आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगल है कौन ये बात समझे। भारतीय संस्कृति में जब भगवान शंकर ने सती का, जब दक्ष का विध्वंस हो गया, तब उस सती वहां पर जब सती हो गई माँ भगवती, तब कहा जाता है कि भगवान ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया, उनके पसीने से वीरभद्र उत्पन्न हुए और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष का सिर काटा। तब वीरभद्र जो थे उसके बाद मंगल के रूप में उपस्थित हुए। तो भगवान शिव के अंशावतार हैं, रुद्र हैं, तो उनका जन्म दिवस है अंगारक चतुर्थी। कहा जाता है कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से समस्त प्रकार के कल्याण होते हैं, कष्ट दूर करने के योग बनते हैं। तो मंगल जो है उसको ठीक करने के लिए देखिए हर क्षेत्र में उपयोग है। और मिथुन राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि मंगल आपके द्वितीय भाव के में जाएंगे, जो खासतौर पर क्षीण हो जाएंगे, एक डेढ़ महीने तक कमजोर रहेंगे, नीच के हो जाएंगे, वो आपके धन पर, आपके कुटुंब में कई प्रकार की कमी लाने के योग दे सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से वो कई इंपॉर्टेंट भाव के लाभ के स्वामी है, वहीं बृहस्पति चल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए मंगल को ठीक करना जरूरी है। तो कोशिश करें इस तिथि का आपको लाभ पूर्ण तरह से लेने का प्रयास करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, कल्याण के योग बनाएं, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करें। धन्यवाद।